भोजपुरी तो मेरे लिए बहुत ही नई इंडस्ट्री थी, और मुझे अभय जी ने बुलाया था मेरी पहली मूवी मेहंदी लगा के रखना 3 के लिए। मैं उसमें काम की तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं बहुत सारे लोगों से मिली, जैसे निशांत उज्जवल जी प्रोड्यूसर हैं, वो भी तो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और उसके बाद तो लगातार मैंने 5 फिल्में की हैं, वो भी सारे सुपरस्टार्स के साथ। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और बहुत सारा प्यार मिला है मुझे दर्शकों से, तो बहुत खुश हूँ मैं। कितनी फिल्में साउथ की आपकी हो गई थी? साउथ की 3 फिल्में की थी मैंने, और भोजपुरी में आने के बाद मैंने एक मराठी भी की है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर भी रही हूँ अभी। आप जहाँ तक हम लोगों ने बायोग्राफी चेक किया था उसमें आपका जन्म बैंगलोर बताया जा रहा है, ठीक है? जी बैंगलोर से उसके बाद वहां की लैंग्वेज अलग, यहाँ की लैंग्वेज अलग, कैसे यहाँ पे कमांड कैसे आपने किया? देखिए, मैंने बहुत मेहनत किया है भोजपुरी सीखने में। ऐसा होता था कि पहले तो मुझे हिंदी भी नहीं आती थी, तो मैंने पहले मेरी हिंदी को सही की, उसके बाद भोजपुरी। अभी आप अगर आप जानते हैं, मतलब अभी जो मेरी मूवी रिलीज हुई है चोरी चोरी छुपके छुपके, उसमें मैंने ही सारे डायलॉग्स बोले हैं और डबिंग भी की है, और उसके बाद के सारे फिल्मों में मैंने ही डबिंग की है। तो हमने बहुत मेहनत की है लैंग्वेज पे, तो बहुत मज़ा आया, बहुत शिद्दत और बहुत मेहनत के साथ कर रही हूँ मैं, और आई एम एंजॉयिंग जो कर रहे हैं हम लोग अभी। आपने जब किसी को बताया होगा कि मैं भोजपुरी फिल्मों में काम करें तो लोगों का क्या रिएक्शन था, घर वालों का क्या रिएक्शन था? देखिए, पहले तो मेरा खुद का रिएक्शन ये हो रहा था, क्योंकि एक वो बना दिया गया है भोजपुरी इंडस्ट्री, मतलब एक बहुत वल्गर टाइप का सॉन्ग या फिर मूवीज बनाया जाता है, उतना बड़ा एक्सप्लोजर नहीं है। बट जब मैं यशी फिल्म्स में आई और मैं अभय जी से मिली और निशांत जी से मिली, तो मैंने देखा कि यार लंदन में शूट कराया जा रहा है, इतना बड़ा प्रोडक्शन है, और अवार्ड फंक्शंस होते हैं। और जब मैंने एक्चुअली देखा कि भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी अच्छी है, बट उसको पता नहीं क्यों ऐसे पोर्ट्रे करते हैं लोग, अब इतनी सुधर गई है, बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बना रही है। मैंने खुद जितने फिल्में की है वो इतनी खूबसूरत स्टोरी है, बहुत ही अच्छी है, मतलब फैमिली ओरिएंटेड मूवीज है। तो आई थिंक अब बहुत अच्छा लग रहा है काम करके इन सबके साथ, और बहुत आगे भी बढ़ रही है इंडस्ट्री, और ऐसे ही बढ़ते रहना चाहिए। और आई थिंक सब लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहे तो हमारी इंडस्ट्री हिंदी से कम नहीं है। आपके पहली फिल्म जो भोजपुरी में थी उसके हीरो खेसारी जी थे, जी अभी जो सुपरहिट आपकी फिल्म है चोरी चोरी छुपके छुपके उसके भी हीरो खेसारी जी थे, क्या क्या प्लस पॉइंट क्या मानती हैं? आई थिंक केसारी जी का जो जोनर है वो है कॉमेडी, एंड देन चोरी चोरी छुपके छुपके में बहुत ज़्यादा कॉमेडी है। ऐसा होता था कि हम कोई सीन कर रहे हैं और खुद हंसने लग जाते थे, मतलब इतनी कॉमेडी। तो आई थिंक उसका स्क्रिप्ट और उसका डायरेक्शन रजनी जी जो है सबसे अच्छे, मैं मानती हूँ कि वो वन ऑफ द गुड डायरेक्टर्स में से हैं, और केसारी जी हैं, मैं हूँ, और सबसे बेस्ट प्रोडक्शन हाउस है यशी फिल्म्स, और सब कुछ बेस्ट है, तो ऑफ कोर्स होना ही है बेस्ट। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।